वहाँ से तुम तो रे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। देख लो भाई जाम देख लो, सुबह 9:30 का टाइम है, शायद 9 भी नहीं बजे। और यहाँ से है ना दो डायवर्सन है, ये डायवर्सन देख रहे हो, एक तरफ ऊपर की तरफ जाता है कुल्लू की तरफ और नीचे की तरफ जाता है प्राशर लेक, और प्राशर लेक यहाँ से स्टिल अभी लिखा हुआ है 23 किलोमीटर पेंडिंग है। अपने सुमित भाई मेरे से थोड़े पीछे रह गए थे, अब देखो यहाँ पानी से होकर निकल रहे हैं। वो देखो भाई उस साइड से सारा जाम लगा हुआ भाई, अब जाके ना सुंदर सुंदर नज़ारे हम लोगों को देखने को मिले हैं। अब थोड़ी बहुत अपनी जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है प्राशर लेक तक की, ज़्यादा नहीं है बस ये सामने है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर दिल से। स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश ब्लॉग में। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने कल ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो थे दिल्ली से लेकर जब अपनी बाइक जर्नी जो स्टार्ट करी थी प्राशर लेक जाने तक की, हम लोगों ने कल स्टे करा था मंडी गुरुद्वारे में, यहाँ पर हम लोगों ने अपना टेंट वगैरह सब कुछ लगाया था, और आज वापस हम लोग जो अपनी जर्नी है वो कंटिन्यू कर रहे हैं प्राशर लेक तक की। एंड यहाँ से जो फुल जो डिस्टेंस रहता है वो अपना 52-55 किलोमीटर्स के करीब रहता है। सो आज हम लोग जाएंगे, जैसे कि हमारे को यहाँ पर जो लोकल है यहाँ पर जो गुरुद्वारे में हमारे को भैया वगैरह मिले, कह रहे कि कल वहाँ पर बहुत अच्छा मेला वगैरह हुआ था, सो हम लोगों ने वो स्किप कर दिया। सो आज हम लोग जाएंगे और भाई बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक होने वाला है ये पूरा, मतलब ऐसे कि 4 से 4 घंटे सिर्फ एक साइड में लगते जाने तक का, और सिंगल राइड होती है, मतलब एक बाइक पे एक सिंगल बंदा बैठता है तो भाई वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, अगर दो बंदे रहेंगे तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हाइक पीक पे है और सारा ऑफ रोड बना हुआ है। मैं आप लोगों को यहाँ पर चलते हुए सारे रास्ते वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। फिलहाल सुबह के बज चुके हैं 7 और आज का दिन हमारा पूरा यही रहेगा, प्राशर लेक के वहाँ पर पूरा दर्शन वगैरह करेंगे, देन उसके बाद वापस जो है हम लोग यहाँ पर मंडी में आके स्टे करेंगे, क्योंकि कल के दिन हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा और आज उसके दिन हम लोग जाएंगे बिजली महादेव टेंपल के दर्शन करने के लिए, जो कि हम ये दो चीज़ पूरी माइंड में सेट करके आए थे कि हम लोगों को ये दो चीज़ कवर करनी है 3 दिन के अंदर। सो चलते हैं, देर ना करते हुए निकलते हैं अपने प्राशर लेक की तरफ। फेलिंग की पारी आ चुकी है, प्रॉब 450 से ऊपर किलोमीटर हमारी जो बाइक चल रही है, और यहाँ पर जो पेट्रोल रेट है 94.52, और देखते हैं भाई कितने का पड़ता है, ज़्यादा नहीं करवाऊँ क्योंकि भाई ओवर फिलिंग के चक्कर में फिर पेट्रोल गिरने लग जाता है। बहुत है भैया भाई, अपना फ्यूलिंग हुई है 617 की फ्यूलिंग हुई है, ज़्यादा हो जाता लेकिन भाई फ़ायदा नहीं है, ओवर फ्यूलिंग हो जाता है, गिरने लग जाता है। पेमेंट कर देते हैं, देख लो भाई जाम देख लो, सुबह 9:30 का टाइम है, शायद 9 भी नहीं बजे और जाम लग चुका है फुल। भाई कुल्लू पहुंचने से पहले लग चुका है जाम, हालांकि अभी 40 किलोमीटर दूर है यहां से कुल्लू, और उसके बाद यहां से लंबी लाइन सुबह सुबह लग चुकी है। बाइकों में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है भाई, देख लो आसानी से निकल जाती है बाइक, आराम आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग अपनी
गाड़ियों से बाहर निकल निकल के देख रहे हैं भाई क्या हो गया, इतना लंबा जाम है। ये देखो भाई बीच में घुसा के लेके आया। अरे वाह शेर वो तम तो, अरे तम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो गाइस 5 मिनट का हम लोगों ने हॉल्ट लिया है। हॉल्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी थी। मंडी से जहाँ गुरुद्वारे में हम लोग रुके थे वहाँ पर जब हम चले हैं तो अप्रोक्स हम लोगों को 1 घंटा हो चुका है, जिसमें से हम लोग 25 किलोमीटर के करीब हम लोग कवर कर चुके हैं, 25-30 किलोमीटर। और यहाँ से है ना दो डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन देख रहे हो, एक तरफ ऊपर की तरफ जाता है कुल्लू की तरफ और नीचे की तरफ जाता है प्राशर लेक, और प्राशर लेक यहाँ से स्टिल अभी लिखा हुआ है 23 किलोमीटर पेंडिंग है। और भाई ये इस साइड से आते हो तो भाई ये वाला रास्ता पड़ेगा आप लोगों को अगर आप मंडी की तरफ से आते हो, और अगर आप कुल्लू की तरफ से आ रहे हो बुंटर वगैरह उस साइड से तो आप लोगों को इस साइड आना पड़ेगा, देन आपको यहाँ से घूम के वापस प्राशर लेक की तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ से मंडी की तरफ भी जा सकते हो। बाइक हमारी यहाँ पर ये खड़ी है, सूरज भगवान जी ऊपर वाली साइड है, एकदम फुल धूप हो रखी है, टैनिंग अपनी फुल हो रखी है, और यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। और भाई एक चीज़ आप लोगों को और बताता हूँ, जब लास्ट ईयर जो यहाँ पर पूरा जो है ना आपदा वगैरह पूरी आई थी तो भाई यहाँ पर फुल इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि मैं देखो आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो सारे पत्थर वगैरह सारे ए टू जेड ऐसे पड़ी हुई है, और नदी जो है इस टाइम पर अभी थोड़ी बहुत से सूखी पड़ी है, हालाँकि हल्का फुल्का पानी है। बाकी ऊपर देखते हैं हमारे लोगों को मौसम कैसा मिलेगा। और एक चीज़ हम लोग मिस कर चुके हैं जो कि था अपना मेला, यहाँ पर लोगों ने हमारे को बताया कि भाई ऊपर जो है कल मेला हुआ था, तो वो चीज़ हम मिस कर चुके हैं। आज देखते हैं भाई कैसा रहेगा, क्या माहौल होगा, और रास्ते के सुंदर सुंदर नज़ारे आप लोग एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे, तो भाई एक लाइक तो बनता है। चलो मिलता हूँ आपको सीधा आगे की तरफ, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत पानी वगैरह भी पीना, पानी हम लोग लेके नहीं आगे इस शॉप वगैरह से खरीदते हैं, देन आगे अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अपने सोनू भाई तो यार काफ़ी पीछे की तरफ रह गए हैं, और बीच में हमारे को एक वाटरफॉल टाइप का दिखा है जहाँ पर बच्चे वगैरह अपनी गाड़ी वगैरह लगा के फैमिली के साथ एंजॉय वगैरह कर रहे हैं। तो भाई यहीं पे बैठ के वेट करते हैं सोनू भाई का, क्योंकि वो काफ़ी पीछे रह गए हैं, शायद से उनको कोई कॉल वगैरह आ गया था अर्जेंट में, देखते हैं कितनी देर लगाते हैं। बाइक वगैरह मैंने उस साइड कोने पर पार्क कर दी है, तो भाई तब तक यहाँ पर चिल आउट वगैरह करते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। हालाँकि मैंने बाइक के अंदर ही चाबी वगैरह लगा रखी है, और भाई देखो ये पानी शायद एक तरफ यहाँ से दिख रहा है, एक शायद पीछे की तरफ से आ रहा है, और वहाँ से बंदे भी आ रहे हैं कहीं से, जाके देखते हैं एक बार नीचे। अरे आप वही हो ना जो केदारनाथ में मिले थे हमारे को, जिसकी फेमस हुई थी वीडियो, बिल्कुल। कहाँ जा रहे हो अभी? अबे साले जो माफ करना मैं जो अपने सुमित भाई मेरे से थोड़े पीछे रह गए थे, अब देखो यहाँ पानी से होकर निकल रहे हैं, वाह निकल चुके हैं, आ गए वो लड़का। शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्राशर लेक, यहाँ से है अप्रोक्स 300-400 मीटर आगे, और जितने भी प्राइवेट बसेज होती है, कमर्शियल बसेज वगैरह टैक्सीज वगैरह होती है, सब यहाँ पर जो रुक जाती है, या तो जो भी है यहाँ से आप नीचे भी, मैंने देखे कि आप नीवू कहीं नीचे की तरफ से लेके जा रहे थे जैसे कि वहाँ पर खड़ी है, वो तो इनके चलो एक बेस कैंप हो गया, हालाँकि अगर थोड़ी पीछे की तरफ आते हो उस मोड़ से तो वहाँ से नीचे जाने का रास्ता भी, वो देखो सामने खड़ी है वहाँ पर गाड़ी खड़ी है, आप लोग वहाँ पर भी लेके जा सकते हो, बट इतनी दूर मैं कहूँगा कि सजेशन ये दूंगा कि आप लोग मत लेके जाओ। हाँ जी भाई लोग फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्राशर लेक। भाई एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा रश होगा, क्योंकि हमारे को नीचे बताया था जो बंदे नीचे उतर रहे थे ना कल की तरफ, वो हमारे को बता रहे थे कि भैया परसों जाते तो मेला था तो आपको बहुत अच्छा लगता, बट अब तो खाली होगा, बट सच में कह रहा हूँ भाई एक बार दिखाना पीछे घुमा के, फुल रश ही रश है भाई, फुल रश, मतलब गाड़ी क्या बाइक पार्क करने तक की जगह नहीं है, इतना रश हो रखा है। एक बार पूछते हैं यहाँ पर किसी दुकान वालों से भाई कि क्या सच में आज कुछ है या फिर लोग संडे का दिन है इसलिए ज़्यादा रश ज़्यादा है, और क्योंकि भाई सारा हिमाचल जितनी भी गाड़ी देख रहा हूँ ना, चाहे वो कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, सारी हिमाचल की हैं।
ऑलमोस्ट रेयर ही बहुत हमारे को चांस दिखे जो दिल्ली है और फिर चंडीगढ़ की दिखी है, अदरवाइज सारी हिमाचल की हैं। आपको दिखाता हूँ भाई, देखो वो देखो भाई उस साइड से सारा जाम लगा हुआ भाई। अब जाके ना सुंदर सुंदर नज़ारे हम लोगों को देखने को मिले हैं। रास्ते में एक डेढ़ घंटे के दो घंटे तक का रास्ता था, तो इतना हमने सीन कैप्चर नहीं किया क्योंकि हमारे को पहुँचना भी था। अब जिस चीज़ का वेट रहता है ना हमारे को भी और आप लोगों की भाई, ड्रोन शॉट वो कैसे हैं यहाँ पर, तो भाई वो हम लोग यहाँ पर कैप्चर करेंगे बढ़िया बढ़िया। बस सबसे पहले ऊपर चलते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे सुंदर सुंदर नज़ारे ड्रोन शॉट के थ्रू। तो फाइनली अब थोड़ी बहुत अपनी जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होती है पराशर लेक तक की, ज़्यादा नहीं है बस ये सामने है मान लो 100 मीटर। बस चढ़ने में थोड़ी सी हालत खस्ता होगी, ये हम लोग एक शॉर्टकट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा है और उसके बाद यहाँ पर एक शॉर्टकट दिखा है हमारे को जो बीच में से रास्ता जा रहा है पराशर लेक की तरफ। ये हम लोग एंटर कर चुके हैं पराशर लेक मंदिर के बिल्कुल सामने और ये है पराशर लेक। ऊपर का व्यू देख चेक करो, उसके बाद तीसरी आँख मतलब ड्रोन का व्यू आप लोगों को चेक कराएंगे। और वो देखो वो है पत्थर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वो पत्थर है मतलब ये सालों साल एक जगह भी खड़ा रहता है या फिर दिन में कभी एक दो बार चक्कर भी लगा रहता है। और इतना बड़ा पत्थर है ना ये, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो बहुत बड़ा पत्थर है और इस लेक के बीच में चारों तरफ चक्कर लगाता है, कभी सालों साल भी एक जगह खड़ा रहता है। और कहा जाता है कि मतलब अगर किसी ने मूव होते हुए इसको देख लिया ना तो उसकी जितनी मन्नत होती है मनोकामना होती है वो सारी पूरी हो जाती हैं। बाकी एक बार नीचे चलेंगे जब दर्शन करेंगे ना तो पुजारी जी से पूछेंगे इसका मेन रहस्य और क्या है। ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है एंड बहुत ही खूबसूरत हमारे दर्शन हुए हैं यहाँ पर। हालांकि यात्री काफ़ी सारे थे बट जितने भी थे सारे हिमाचल के, सारे लोकल थे, चंडीगढ़ दिल्ली के बहुत ही कम थे। और अब यहाँ तक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई आगे का इनका आगे चल के पुजारी से इनका मेन रहस्य पूछते कि क्या है, तो उन्होंने ज़्यादा बताया नहीं बट इतना बताया कि जो पराशर ऋषि थे वो जब तपस्या जहाँ जहाँ उन्होंने करी है तो वहाँ उन्होंने के यहाँ पर जो है ये मंदिर ऐसा बना। और इसके आगे भी थे बट वो आगे अभी तक अब कुछ बचा नहीं है तो ये लास्ट मंदिर है। सो जितने भी हिमाचल के यहाँ पर जितने लोकल बंदे यहाँ पर इनकी पूजा करने आते हैं, सो ये इनका मेन रहस्य है। बाकी जो मेन पत्थर था जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पत्थर है वो पूरा कभी सालों साल भी हिलता नहीं है, कभी एक साल ऐसा होता है कि
दिन में 2-3 बार भी राउंड लगा लेता है, तो ऐसा होता है कि जो अपनी आंखों से वो देख लेता है ना हिलते, तो उनकी जो मनोकामनाएं होती है, जो जितने भी उनकी मन्नत मांगी होती है, वो सारी पूरी हो जाती है। एंड करते हैं इस लोग को यहीं पे एंड। टिल देन अपना प्यार ऐसे बनाए रखो एंड वीडियो को लाइक जरूर करना है। आई होप हमारे ड्रोन शॉट आपको पसंद आए होंगे। चलो टेक केयर, बाय बाय।